देखते हैं हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो तीन अकाउंट्स बनेंगे, कौन कौन से अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, ठीक है। अभी रिवैल्यूएशन में क्या क्या करने वाले हो, देखो पार्टनर आएगा तो क्या क्या लेके आएगा, पहला तो कैपिटल लेके आएगा और गुडविल लेके आएगा, ठीक है, कैपिटल लाएगा और गुडविल लेके आएगा, और जितने भी एसेट्स है उसमें एडजस्टमेंट दिया होगा, ठीक है, जो भी एसेट्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट है, कहां पे लिखोगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, ठीक है। जितना भी लायबिलिटीज है अगर उसकी प्राइस डिक्रीज होती है तो फर्म के लिए प्रॉफिट है, वो लिखोगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, ठीक है। अगर लायबिलिटीज का प्राइस इंक्रीज होता है, जितने भी वैल्यू से इंक्रीज होगा वो आएगा डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन के, एसेट्स का प्राइस कम होता है तो लॉस होता है, वो लिखोगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, ठीक है। इसको आप पहले क्लोज कर दोगे, सबसे पहले क्लोज करने का जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, डेबिट में आया तो प्रॉफिट है, क्रेडिट में डिफरेंस आया तो लॉस है, तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसको आप दे दोगे ओल्ड पार्टनर में इन ओल्ड रेशियो, ठीक है, ए एंड बी 1:1, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दोगे और यहां से उठा के ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में डाल दोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। अब देखो, अब जितना भी ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है, जो भी कैपिटल का बैलेंस दिया है वो यहां लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओल्ड पार्टनर में लिखोगे, उसके बाद बाय बैंक, नया पार्टनर जितना कैपिटल लेके आया वो उसके अकाउंट में लिख दिया, उसके बाद देखो प्रीमियम ऑफ गुडविल, नया पार्टनर क्या लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा, और किसमें बांट देंगे, इन ओल्ड पार्टनर्स, क्यों, क्योंकि उन लोगों ने सैक्रिफाइस किया हुआ है, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पे और यहां पे क्रेडिट में, ठीक है, बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल। फिर देखो बाय रिजर्व, जितना भी रिजर्व दिया हुआ है ओल्ड बैलेंस शीट में वो आ जाएगा, वो भी बांट देंगे इन ओल्ड रेशियो, किसका है, ओल्ड पार्टनर का है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है, बांट देंगे उसको इन ओल्ड रेशियो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वो किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है, उसको भी बांट देंगे इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। अब देखो डेबिट में, अगर बैलेंस शीट में ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है तो उसको बोलेंगे ओल्ड गुडविल, उसको क्या करते हैं, रिटन ऑफ, ठीक है, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे इन ओल्ड रेशियो, ठीक है, ये लॉस होता है। और कुछ लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में लिखा हुआ है वो भी लॉस है, उसको भी ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा वो टू बैलेंस कैरी डाउन, इसको लायबिलिटी में लिखोगे इन न्यू बैलेंस शीट ए बी एंड सी, ठीक है। इसके बाद देखो जितना भी लायबिलिटी है वो न्यू प्राइस वाला आएगा यहाँ पे, जितना भी एसेट्स है वो न्यू वैल्यू वाला आएगा, उसके बाद देखो कैश लिखोगे यहाँ पे, कैश में क्या करोगे, जो नया पार्टनर है उसने कैपिटल कैश में लेके आया उसको प्लस कर दोगे, फिर गुडविल भी उसने कैश में लाया है उसको प्लस कर दोगे, इसको टोटल मारोगे और टैली हो जाएगा, ठीक है। इसमें और क्या नया कर सकते हैं वो लोग, ये देखो, या तो आपको गुडविल बोलेंगे कैलकुलेट करो, आपको आता है कितने मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, ये निकालोगे। इसके बाद हो सकता है वो हिडन गुडविल आपको बताए नहीं, कैपिटल कितना लाया है बता देगा और उसका रेशियो दे देगा, तो क्या करोगे, जो भी कैपिटल न्यू पार्टनर लाया हुआ है उसके रेशियो से रेसिप्रोकल कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आ जाएगा कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी इतना होना चाहिए, उसके बाद एक्चुअल कैपिटल कितना है
ओ निकालोगे, वो कैसे निकालोगे? ए बी और सी तीनों का कैपिटल को प्लस कर दोगे, उसके बाद देखो जितने भी रिजर्व दिए हैं सबको प्लस कर दो और जो भी प्रॉफिट आया है रिवैल्यूएशन में उसको भी प्लस कर दो, टोटल मानो आ गया कैपिटल। इसको दोनों कंपेयर करो, जो भी डिफरेंस आएगा वो गुडविल ऑफ द फर्म रहेगा, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे न्यू पार्टनर के शेयरिंग रेशियो से 1/4, तो आ जाएगा न्यू पार्टनर्स गुडविल। ठीक है, ये गुडविल आप ओल्ड में बांट दोगे एज वन में, ऐसे आप शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, इसके बाद फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे और क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको न्यू कैपिटल दे दें कि टू बैलेंस कैरिड आउट ऑलरेडी आपको यहाँ इतना चाहिए, तो जो भी बैलेंस आएगा वो टू बैंक में डाल दो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ बाय बैंक में डाल दो। ठीक है,